नमस्कार पॉजिटिव भारत सह मु शक्ति साई मिश्र बुलेटिन को आपको नवा पूर्व प्रथम देखि नवा हेडलाइंस राज्य में कोरोनार समांतराल स्थिति सप्ताह है 10 रु 12 हजार भितर रहुची संक्रमण विशेषज्ञ परामर्श पिला संक्रमित हेले सुषम खाद्य सह प्रचुर पानी पियंतु जिते थर संक्रमित हेले भी टीका ही देव सुरक्षा मुख्य शासन सचिव कहले जीवन और जीविका को दि जाऊँ गुरुत्व देश में पिक महा कोरोना 24 घंटे बाहर 2,82,000 अधिक पॉजिटिव मृत्यु संख्या भी 500 मुहा 24 घंटे कोरोना नहीं 441 जीवन पिला टीका देवारे केंद्र सरकार सफल दिगला देश में 15 रु 18 वर्ष मध्य 50% पिला टीका सूचना दे केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडव्य सफलता धन्यवाद जनइले प्रधानमंत्री मोदी समाजवादी पार्टी को झटका दल सुप्रीमो मुलायम को बहु धरिले पद्म उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन पूर्वरु बीजेपी रे मिशिले अपर्णा जाधव आतंकवादी टार्गेट दिल्ली आसंता जनवरी 26 गणतंत्र दिवस रे बड़ धमाका पाई योजना टेरर आटाक आशंका परे हाई अलर्ट रे सुरक्षा एजेंसी एवठू देशर राजधानी कड़ाकड़ी करागला सुरक्षा व्यवस्था एवं टेस्ट पराजय पर दक्षिण आफ्रिका सह भारत दिनिकिया लड़े आरंभ बोलांद पार्क में चली प्रथम दिनिकिया मैच कैप्टेन टेम्बा बाभुमा और डुसान का जबरदस्त शतक भारत आगे 297 रन टार्गेट देश में पुणी कोरोना विस्फोरण एवं कोरोना संक्रमण पुणी हुहु बढ़िबा आरंभ कर मृत्यु संख्या भी ब्रेक लागू नहीं 4 लक्ष ट्रेंड पर दैनिक आक्रांत संख्या 2 लक्ष ओ परे 50 हजार तले थिला बेले एबे संक्रमण 3 लक्ष मुहां होईछि गत 24 घंटा मध्य देश में 2,82,000 अधिक कोरोना संक्रमित चिन्हट होता बेले 441 जन मृत्यु होईछि स्वास्थ्य मंत्रालय रिपोर्ट अनुसार 24 घंटा 2,82,970 आक्रांत चिन्हट होती देश में कोरोना जनित दैनिक मृत्यु संख्या 441 रे पहुंची राज्य में पुणी 11,000 ऊपर दैनिक संक्रमण 24 घंटे 11,607 पॉजिटिव चिन्हट होती से पुणी 6 जीवन नहीं वायरस आज संक्रमित 6,728 जन क्वारंटाइन और 4,879 लोकाल केस रही 18 वर्षरु कम वयस आक्रांत मध्य रही 991 जन खोर्धारु सर्वाधिक 4,347 जन सुंदरगढ़ 1,219 केस सामना को आसी से संबलपुरु 390 बालेश्वर 305 कटक 898 जाजपुर 231 झारसुगुड़ 219 रायगढ़ 239 और स्टेट पुल 877 जन चिन्हट होती राज्य में एवं 84,770 आक्टिव केस रही तेरे आज 6 मृत्यु को मिसाई 8,494 पहुंची मोट कोविड मृत्यु संख्या सारा देश में कोविड तृतीय लहर चली गत 7 दिन है राज्य में 10 रु 11 हजार पॉजिटिव केस सामना को आसुच्च तेज ओमिक्रॉन पर ही संक्रमण वृद्धि पाई लोकने भयभीत होवार कौन कारण ना बुधवार राज्यवासियों को संबोधन कर मुख्य शासन सचिव सुरेश चंद्र महापात्र आसंता किसी दिन आम राज्य अत्यंत गुरुत्वपूर्ण माननीय मुख्यमंत्री आपमन को समस्त को अनुरोध कर राज्यवासियों को अनुरोध कर आसंता किसी सप्ताह आम स्ट्रिक्टली कोविड गाइडलाइन मानि चलिबा निहाती आवश्यकता नथिले भिड़ जगह को बाहर को जीवेनि एवं आम जी समस्ते माननीय मुख्यमंत्री जो अनुरोध अच्छी ताको रक्षा करिबा एवं कोविड गाइडलाइन को प्रॉपर्ली मानिकी चलिबा भय न करी कोविड रो मुकाबला करिबा सब जो मास्क इत्यादि पिंधिबा एवं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सब जगह आम देखेबा ताहले मु आशा करूछे आम
तृतीय लहर सफल भाव मुकाबला कर आशा करूँ आपण मैंने समस्ते तृतीय लहर मुकाबलें राज्य सरकार को सहयोग करेंगे एवं खूब अल्प दिन भितर आम कोरोना कबल आम राज्य को मुक्त कर। आज समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव बहु अपर्णा यादव बीजेपी में सामिल होती बीजेपी में जोगदे बेले अपर्णा कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा से सदा सर्वदा अनुप्राणित सामिल होगा सुजोग दे अपर्णा बीजेपी को धन्यवाद ज्ञापन करपर्णा होती मुलायम सिंह यादव सान पु प्रतीक पत्नी। आज से उत्तर प्रदेश उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी राज्य सभापति स्वतंत्र देव सिंह को उपस्थित रे दल रे शामिल होइछन्ते। अखिलेश को घरे फाटो बदलिला उत्तर प्रदेश राजनीति रा समीकरण निज परिवार रु सपा मुख्य को बड़ झटका साइकिल छाड़ी पद्म धरिले मुलायम को बहु अपर्णा यादव बीजेपी रे रही करिवे देश सेवा कहिले प्रधानमंत्री का द्वारा सर्वदा अनुप्राणित। ये लोकतंत्र है, हर आदमी अपनी स्वच्छंदता से अपनी स्वतंत्रता से अपनी जो विचारधारा है उससे जुड़ने का सबको अधिकार है। और मेरा मानना ये है कि अगर जो इस देश को हमें बचाना है तो हमें राष्ट्रवाद के साथ चलना है। उत्तर प्रदेश रे हेबाकु थिबा विधानसभा निर्वाचन पूर्वरु यूपी राजनीति रे एक बड़ा आलोड़न सृष्टि होईछि। उत्तर प्रदेश रा पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा समाजवादी पार्टी रा प्रतिष्ठाता मुलायम सिंह यादव का सान बहु तथा समाजवादी पार्टी मुख्य अखिलेश यादव का भाई बहु अपर्णा यादव बीजेपी रे शामिल हेबारु राजनीति रा मोड़ बदलिछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का द्वारा से सदा सर्वदा अनुप्राणित रही आसिछंती बोली बीजेपी रे जोग देबा बेले कहिछंती अपर्णा। यहाँ सहित दल में सामिल होगा सुजोग दे अपर्णा बीजेपी को धन्यवाद ज्ञापन करने सहित परिवार नुहे बर मोपाई देश प्रथम बोली कहिछंती अपर्णा। I've always been very, very vocal for whatever policies and ideologies the Honorable Prime Minister had said. I am just saying that nationalism is a very important aspect of my life, and always I have thought of nation before anything. So I have joined BJP so that I can serve the nation better. Whatever the committee, the core committee of the party, my party, Bharatiya Janata Party, decides for me, I think it will be in the benefit for me. And whatever they'll say, I'll do it. अपर्णा यादव को BJP रे शामिल हेबा परे समाजवादी पार्टी रे होइचोई सृष्टि होइतिबा बेले अन्य पटे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपर्णा कर सुचारू पदक्षेप को प्रशंसा करिबा सहित दल तरफ रु तांको स्वागत जणाइछंती। उनको भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार का प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली पसंद आई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज अपना यानी की सदस्यता ली है, हम उनका स्वागत करते हैं और हमें विश्वास है कि अपर्णा जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के इस बृहद परिवार का हिस्सा बनकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने और अपने सामाजिक सेवाओं को इस मंच के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। तेबे गुंडागिरी और परिवारवाद राजनीति करुथिबा सपा मुख्य आगामी निर्वाचन रे निजर स्थिति को नै चिंतार पड़िथिबा बेले निज परिवार सदस्य दल छाड़ीबा समाजवादी दल पई अड़ुआ बढ़ाई पारे बोली चर्चा हेउछि। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। टेस्ट पराजय पर दक्षिण आफ्रिका सह भारत दिनिकिया लड़ई आरंभ होइछि। मुलान पार्क रे चलिछि प्रथम दिनिकिया मैच। कैप्टेन टेम्बा बाभुमा और डुसान का जबरदस्त शतक भारत आगे 297 रन टारगेट रखी दक्षिण आफ्रिका। दक्षिण आफ्रिकार पल ठार आज भारत और दक्षिण आफ्रिका मध्य दिनिकिया मैच खेल जाऊँगी। मैच दक्षिण आफ्रिकार अधिनायक टेम्बा बाभुमा टॉस जीती प्रथम बैटिंग करने को निष्पत्ति। कैप्टेन टेम्बा 143 बल्रु 110 रन कर डुसान धुआंधार बैटिंग कर 96 बल्रु 138 रन स्कोर कर। भारत पाखर जसप्रीत बुमराह सर्वाधिक 2 विकेट हासिल करिवारे सफल होइतिले। अपन देखते पॉजिटिव भारत खबर आगे भी रही किंतु समय गोटे छोट विरतिर।
ओडिशा रे पहुंचला ओमिस्योर किट पहुंचिबा परे चली ड्राई रन किट ठीक अच्छी ना नहीं टेस्ट करा जाउछि इंटरनल स्टडी पई यहाँ व्यवहार करा जिवो जे जिल्ला रे अधिक संक्रमित बाहर छंती से जिला को किट पठा जिवो सहजरे ओमिक्रॉन वेरिएंट चिन्हट करिवारे यहाँ सहायक हबो बोली कहिसंती स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र देशरे 15-18 वर्ष मध्य 50% पिला नेले टीका ट्वीट कर केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री सूचना देखते सारा देश में पिला टीकाकरण को नहीं पुणी एक बड़ खबर आसी 15-18 वर्ष मध्य 50% पिला टीकार गोटे डोज नहीं सारी एने ट्वीट कर सूचना देखते केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया यह रिट्विट कर विरल उपलब्धि धन्यवाद जनाई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ओमिक्रॉन जो देश में कोरोनार तृतीय लहर आरंभ होता बेले जनवरी 3 तारीख रु आरंभ होता पिलांकर टीकाकरण स्वास्थ्य मंत्रालय सूचना अनुसार ए पर्यंत देश में 3,17,00,000 पिला कोरोना टीकार गोटे डोज नहीं सारा जहाँ यह वयस वर्ग से धार्य लक्ष्यर अधा अर्थात देशर प्राय 7 कोटी पिला कोरोना टीका दिजाव पुणी एमानंकु निर्धारित समय रे द्वितीय डोज टीका मध्य दिया जिबा बाकी रही तबे देशर किशोर मानक भितर टीका नेबा पई रहितबा आग्रह को देखि प्रशंसा करिसेंते प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अमेरिकार एयरपोर्ट गुड़िक आज 5G इंटरनेट सेवा लागू होइतबारु अमेरिका जाउथबा समस्त विमान उड़ाण को एयर इंडिया बातिल करिछि एयर इंडिया निजर ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट रे एही सूचना देछि तबे वर्तमान पई जनवरी 19 रे वाशिंगटन अभिमुखे जाउथबा समस्त एयर इंडिया विमान को बातिल करा जाइछि तबे भारत अमेरिका मध्य रे एबे केवल एयर इंडिया विमान ही यातायात करुछि किंतु 5G टेक्नोलॉजी कारण एथिरे भी परिवर्तन करा जइबो एयरलाइंस कंपनी गुडी कहिसेंते अमेरिका रे 5G टेक्नोलॉजी लागू हेतु विमान रो इंजन ओ ब्रेकिंग सिस्टम को लैंडिंग मोड को जिबारे बाधा सृष्टि होइपारे एभली परिस्थिति रे विमान लैंडिंग कला बेले समस्या उपजी पारे अमेरिका सरकार समग्र देश रे 5G लगाइछंती किंतु एहाकु विमान बंदर परिसर ठारु दूरै रखिबा उचित बोली कंपनी गुडी कहिसेंते बिटिंग द रिट्रीट्रे हजारे ड्रोन चलित वर्ष जनवरी 23-28 पर्यंत साधारणतंत्र दिवस पालन करा जिवो बोली केंद्र सरकार घोषणा करिछंति उत्सवर शेष दिन अर्थात 29 रे नुआ दिल्लीर विजय चौक रे बिटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम आयोजित होइथाय ए वर्ष ए कार्यक्रम रे हजारे ड्रोन को शामिल करा जिवो दिल्ली IIT रे सहयोग रे बट लैब डायनामिक्स ही ड्रोन गुडी को निर्माण करिछि एतसहित ए समारोह रे नॉर्थ ब्लॉक रु साउथ ब्लॉक पर्यंत समस्त सरकारी अट्टालिका रे लेजर प्रोजेक्शन मध्य देखिबा को मिलिबो चलित वर्ष परेड रे 12 राज्य ओ 9 टी मंत्रालय रा प्रज्ञापन मेढ अंश ग्रहण करबा को जाउछते साधारणतंत्र दिवस अवसर में प्रथम थर पर दिल्ली राजपथ में प्रदर्शित हो पटचित्र पटचित्र प्रदर्शित ओडिशा पाइक विद्रोह बाजीराउत गाथा जातीय मॉडर्न आर्ट गैलरी पक्षर आयोजित होता कला कुंभ पटचित्र प्रदर्शनी में प्रस्तुत होता 2 किलोमीटर ऊर्ध लंबर पटचित्र को जनवरी 26 रे दिल्लीर राजपथ में प्रदर्शित कर राजपथरे पाइक विद्रोह बाजराउतंक गाथा कहिबो पटचित्र साधारणतंत्र दिवस अवसर में प्रथम थर पर दिल्ली राजपथरे प्रदर्शित हेबो पटचित्र जातीय मॉडर्न आर्ट गैलरी पक्षर 2 किलोमीटर ऊर्ध लंबर पटचित्र को जनवरी 26 रे दिल्ली राजपथरे प्रदर्शित करा जिवो विभिन्न राज्यर स्वाधीनता संग्रामी संग्राम चित्रकला एथिरे स्थान पाइबो आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में प्रतिरक्षा मंत्रालय और केन्द्र संस्कृति मंत्रालय पक्षर यह प्रदर्शनी करने नहीं आलोचना करा जाई छी देश में प्राय 600 ऊर्ध चित्रशिल्पी को नहीं पटचित्र कलाकुंभ प्रस्तुत करा जाई छी जेंथरे ओडिशारु 100 रु अधिक आदिवासी चित्रकला शिल्पी पारंपरिक एवं समसामयिक कलाशिल्पी मैंने जोग देइछन्ती
मॉडर्न आर्ट गैलरी डीजी आदित्य गडनायक कहते आगामी पीढ़ी स्वाधीनता संग्राम संपर्क में अवगत कराइबा निमंते प्रयास कर सबू मिसिक गोटे जगार रोते गोटे जगार खाऊ गोटे जगार नाचुले डांस मतलब म्यूजिक गोटे चिंतार आमर जो अनसन हीरो जो मान भूली जाइलु से मूकर रूप भी नहीं रूप इमाजिन कर प्राय 600 आर्टिस्ट दिन रात काम कर गोटे विराट कानवास 2 किलोमीटर पर्यंत कानवास से तैयारी पंचस्तरी मीटर ऊर्ध चित्रकल बाजीराउत संग्राम प्रत्येक कथा को चित्रण कर प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहुआ पाइक विद्रोह कथा को शिल्पी मैंने अति निखुण भाव आंकी आजादी की अमृत महोत्सव अवसर में स्वाधीनता संग्रामी मान श्रद्धाजलि देवा एभली प्रयास ओडिशार पटचित्र को दिल्ली राजपथ में विशाल प्रदर्शनी अति निश्चिंत गर्वर विषय ओडिशार 100 कारीगर आसते से मैंने सीरीयसली काम कर जोटा कि आमर सौरा पेंटर आसते कि पट पेंटर आसते कि कंटेम्परेरी पेंटर आसते जो मैंने बहुत सुंदर भाव में से बाजी राउत को जो आम पट पेंटर वाला तैयारी कर से केमती सहित लड़े 12 वर्ष बाजी राउत कई मानने दिल्ली में कहले भी कई बुझा भी कष्ट कितु सीता सुंदर भाव में प्रोजेक्ट कर देखने लगे बा आउ आमर कंटेम्परेरी आर्टिस्ट से टाइम आमर से पाइक विद्रोह वर्तमान पीढ़ी को स्वाधीनता संग्राम में अवदान थिबा जोधांक संपर्क में अवगत कराइबा यहाँ प्रमुख उद्देश्य दिल्ली गगन विश्वाल रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आतंकवादी टार्गेट दिल्ली साधारणतंत्र दिवस आक्रमण सूचना आगामी साधारणतंत्र दिवस आतंकवादी आक्रमण हो पारे बोली सूचना पाइबा दिल्ली में एवठू कड़ाकड़ी हो जाएगी सुरक्षा व्यवस्था एने गुइंदा विभाग को सूचना मिलवा पर दिल्ली जातीय राजधानी अंचल रे सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाई दी जाएगी। राजधानी में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा सहित गुरुवार ठारु जातीय राजधानी UAV समेत पाराग्लाइडर हॉट एयर बेलून और अन्यान्य अणपारंपरिक उड़ाण को निषेध कर कटकणा 15 फेब्रुआरी पर्यंत जारी रहिबो। साधारणतंत्र दिवस अवसर में साधारण जनता विशिष्ट व्यक्ति और प्रमुख प्रतिष्ठान उपरे अपराधी किंबा अपराधिक तत्व अथवा आतंकवादी आक्रमण करिबा आशंका रही थिबारु दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश आस्थाना उपरोक्त निर्देशनामा जारी करिछंती। सुरक्षा कड़ाकड़ी कराजिबा सह विभिन्न CCTV रे फेसियल रिकग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर लगा जायछि। दिल्ली पुलिस समस्त यूनिट सह नेशनल सिक्योरिटी गार्ड सुरक्षा दायित्व में रहिबे सहित गली गली रे व्यापक संख्या रे अर्धसामरिक बल मुतयन हे। पृथ्वी मंगल ग्रह परी बंध्या होई पारे यार भितर भंडार अधिक ठंडा होउथिबारु याकुने आशंका प्रकट करिछंती वैज्ञानिक माने। भविष्य रे यही थंडा जारी रहिले पृथ्वी बुध और मंगल परी एक बंध्या ग्रह रे परिणत हो पारे बोली आशंका करिछंती वैज्ञानिक। देखिबा रिपोर्ट मंगल परी पृथ्वी हेबो कि बंध्या ग्रह द्रुत गति रे ठंडा होउछि पृथ्वीर अभ्यंतरण अंश ए प्रक्रिया आगो को पलटि पारे भूपृष्ठ रे जीवजग ध्वंसर कारण निकटरे होइतिबा एक अध्ययन रु जना पड़िछि ए विपज्जनक तथ्य। द्रुत गति रे ठंडा होउछि पृथ्वीर अभ्यंतरण अंश नूतन अनुसंधान ए तथ्य प्रकाश करिछंती वैज्ञानिक माने। प्राय 4.5 बिलियन वर्ष पूर्वे पृथ्वीर गठन पर एक अवांछित उत्तप्त कोर रहिथिला पृथ्वीरे जहाँ जीवन को आग को बंचेबा पई अनेक कार्यकलाप करिथाय। तबे सबुठ बड़ चिंतार विषय होछि विशेषज्ञ माने प्रकाश करिछंती भविष्य रे ठंडा जारी रहिबो एवं पृथ्वी बुध एवं मंगल परी एक बंध्या ग्रह रे परिणत होई पारे। पृथ्वी भितर ठंडा हबार बड़ कारण कौन पृथ्वीर मूल होछि यार भितर अंश जहाँ अनेक जीवन कार्यकलाप पई दायी। यह होछि आम ग्रहर तरल उत्तप्त अवस्था रे थिबा भितर अंश जहाँ कि चुंबकीय क्षेत्र बा मैग्नेटिक फील्ड सृष्टि करे जहाँ परवर्ती समय ग्रहर वायुमंडल को धरी रखे साहय कैं क्षतिकारक सौर विकिरण को भीतर को न आसवे साहय कै
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ସହିତ ଟେକ୍ନୋନିକ୍ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମ ଗ୍ରହର ଭିତର ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ, ଯାହା ଏକ ଅବ୍ୟବହୃତ କାର୍ବନ ଚକ୍ର ଏବଂ ସ୍ଥିର ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ଗତକାଲି ମଙ୍ଗଳବାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଗର୍ଭ ନିରୂପଣ କରୁଥିବା କ୍ଲିନିକ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ମଙ୍ଗଳବାଗ ଥାନା IIC ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏପଟ ସାଇଡ୍ରୁ, ଏପଟେ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଇଡ୍ରୁ ବି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସବୁ ସେଇ ପ୍ରଫେସନ୍ରେ କିଏ ମେଡ଼ିସିନ୍, କିଏ ଦଲାଲ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ କରିଛନ୍ତି, କିଏ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟର୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଣନ୍ତି। ଆଣିଲା ପରେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଡିଟର୍ମିନେସନ୍ ହେଲା ପରେ ପଇସା ନିଅନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ସେମାନେ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ସେୟାର୍ ପଠାଇ ଯାଆନ୍ତି। ନାଇଁ, ଏଇ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟର୍ଟା ଇଲିଗାଲି ୱିଦାଉଟ୍ ଲାଇସେନ୍ସ, ୱିଦାଉଟ୍ ପରମିସନ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରମିସନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ଏଥିରେ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ବି ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରମିସନ୍ ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ଭାଓଲେଟ୍ କରିକି ବି ଏଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଆର ଇନକ୍ୱାରି ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଆସୁଛି। ନାଇଁ, ଗଣ ଔଷଧ ଦୋକାନୀ ହୃଷିକେଶ ସାହୁ ହେଉଛି ଔଷଧ ଦୋକାନୀ, ଆଉ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଲେଙ୍କା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମ୍ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟର ନାଁରେ ଗୋଟେ କାଠଗୋଲା ରୋଡ଼ରେ, ସେମାନେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରାଇମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା। ଯଦି ଟିକା ନେଇନଥିବେ ଓମିକ୍ରନ୍ ହେଲେ ବି ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଆଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ନାହିଁ, ଯଦି ଟିକା ନେଇଥିବେ ଓମିକ୍ରନ୍ ହେବା ପରେ ଡେଲ୍ଟା ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଟିକାକରଣ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଟିକା ନେଲେ ଯେତେଥର ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ବି ସୁରକ୍ଷା ଦେବ, 25 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ପିକ୍ କରିପାରେ, ପିକ୍ ସମୟରେ ଅତି ବେଶୀରେ 17,000-18,000 ରହିପାରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଏହାପରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପ୍ରଥମରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ସେଠାରେ ପିକ୍ ସରିଲାଣି, ତେବେ January 23 ଆଡ଼କୁ ଦେଶରେ ପିକ୍ ଛୁଇଁପାରେ। ଟେଷ୍ଟିଂ କମୁଥିବାରୁ ସଂକ୍ରମଣର ଏଭଳି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରହୁଛି, ଆଉ 6 ଦିନ ଭଳି ବଢ଼ିବା ପରେ କମିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ନିରୋଜ ମିଶ୍ର। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କହିବି, ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାମୀନାଥନଙ୍କର ଆଜି ଗୋଟେ ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରି ପ୍ରିଣ୍ଟ ସର୍ଭେରେ ହେଟା ପବ୍ଲିଶ ହେବ, ସେ ଷ୍ଟଡିରେ ଦେଖାହେଇଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଓମିକ୍ରନ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲ୍ଟା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବନି ଅନ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଆର୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ଼। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନେଇଥିବ ଯଦି ତାହେଲେ ଓମିକ୍ରନ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଡେଲ୍ଟା ହେବନି, ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯେ ଖାଲି ଓମିକ୍ରନ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଭାବିଦେବା ଯେ ହଁ ଯେଉଁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଆସିଲା ଆମକୁ ଡେଲ୍ଟା ହେବନି, ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ଟା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କହିଲେ ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ଟା ମସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ଟା ଦରକାର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଡକ୍ଟର ଫାଇମ୍ ୟୁନିସ୍କର ଯେଉଁ ଆସିଛି ୟୁଏସ୍ରୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟ୍ ଆସିଛି ଯେ ଆମର ଓମିକ୍ରନ୍ ହେବା ପରେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ନ ମିଳିପାରେ, ଏଗେନ୍ ଏଇ ସେଇ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର, ଯେହେତୁ ଡେଲ୍ଟା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳିବନି ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଯଦି ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ଼୍ ଅଛି ଏବଂ ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ହେଲା, ଡେଫିନେଟ୍ଲି କିଛି ଇମ୍ୟୁନିଟି ଆମର ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ଆମକୁ ଲଙ୍ଗ୍ ୱେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏଇ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ରୁ ପାର କରିଯିବା ପାଇଁ, ଇଭେନ୍ ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ବି ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବ। ଖାଲି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ଟା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦରକାର, ଆମକୁ ରିଇନଫେକ୍ସନ୍ ହଉ, ଆମକୁ ଡେଲ୍ଟା ପରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ହଉ, ଓମିକ୍ରନ୍ ହେଲା ପରେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ଟା ଦରକାର। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଢ଼ିବାକୁ ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି 25 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିନେ, ସୂତ୍ର ମଡ଼େଲ୍ ଯାହା କହୁଛି ସେଥିରେ ସେମାନେ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଓଡ଼ିଶାର ଡାଟା କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି କେବେ ପିକ୍ କରିବ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମର ଯାହା 25 କହିଥିଲେ ସେ ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କ ମଡ଼େଲ୍ରେ ବି ସେଇଆ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଡାଟା ମୁଁ ପାଇଲିନି। ସେ ଆଜି ବି ଡକ୍ଟର ମନିନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି IIT କାନପୁରରେ ଯେ ଆମର କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ଟା 4 ଲକ୍ଷ କ୍ରସ୍ ନ କରିପାରେ, ଯେହେତୁ ଆମର ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଡାଉନ୍ ହୋଇଗଲା ପାଣ୍ଡେମିକ୍ଟା, ହୁଏତ ସେଇଟା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି 5 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ହିଁ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ଟା ରହିଯିବ। ଆମର ବି ଯେଉଁଟା କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ଟା ଯେଉଁ ବଢ଼ିବ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି 15-16-17 ମେ ବି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେତିକି ଯାଏଁ ଆମର ଯିବ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ଆଉ 5-6 ଦିନ ବଢ଼ିବ ଆମର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼, 25 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆମେ ପିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ, ତାପରେ ରାପିଡ଼୍ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେବ। ସମୟ ହେଉଛି ପଜିଟିଭ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବରକୁ ଏଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।